पहले लाइन क्या बोली, इन सॉलिड्स ईच इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट एनर्जी, ठीक है ना, इन सॉलिड्स एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना, सो वी गेट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सो वी गेट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. Okay, so we get continuous distribution of energy. Yeah, this distribution is called energy band. This distribution is called energy band. एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सोडियम, जरा बोर्ड में पूछा गया बच्चों, दो साल पहले बोर्ड में पूछा गया है एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सोडियम, ठीक है ना, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके, सोडियम का बच्चों कॉन्फिगरेशन बता, 11 एमए होता है, अब एनर्जी बैंड बनते कैसे, जो 1s वाला होगा ये कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है ना, और 2s वाला भी कंप्लीटली फील्ड है, 2p वाला भी कंप्लीटली फील्ड है, 3s1 वाला भी कंप्लीट पार्शियली फील्ड है. अच्छा, इससे मतलब तुम्हारा कंडक्शन कौन है, कंडक्शन बैंड कौन है और वैलेंस बैंड कौन है, क्या है ना, वैलेंस बैंड पूछ रहा हूँ, छे नहीं पूछ रहा, छे तो तुम्हारा आप ही वाला सही बोल रहे, क्यों देखो अभी क्लियर हो जाएगा कैसे होगा तुम्हारा, अगर 1s वाला सबसे नजदीक है सोचो, तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस सबसे करीब यही है. अच्छा, क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मूव कर सकता है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस सबसे करीब क्या है यही है, क्या इधर उधर बहुत ज्यादा दूर जा सकता है क्या, इसे इसकी एनर्जी का स्प्रेड क्या होगा, बहुत कम होगा, तो वन मास वाला क्या होगा, बहुत तुम्हारे लगभग शार्प होगा, लगभग क्या होगा तुम्हारा शार्प होगा, वन एस, ठीक है. मान लो बच्चों एन तुम्हारे क्या है, एटम्स है, तो मैंने बताया ना हर एक बात इसमें बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा वन मान लेते हैं एन एटम, ठीक है ना, कितने तुम्हारे इसमें है बताओ इलेक्ट्रॉन, कितने बच्चों टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2n, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, मान लो सपोज कितने एटम्स हैं, n, तो 1s2 वाले कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2n, हुए ना, तो कितनी स्टेट्स होगी, 2n स्टेट्स होगी, कितनी स्टेट्स होगी, 2n, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, कितनी स्टेट्स है बच्चों, टोटल स्टेट्स कितनी है, इसमें बच्चों फुल कितनी है, फील्ड कितनी है, सारी फील्ड ही है ना, मैंने सर तो सारी फील्ड है, एम्प्टी कितनी है बच्चों, अच्छा ये क्या हुआ तुम्हारा 1s वाला, अच्छा 2s वाला बताओ, थोड़ा सा ऊपर होगा एनर्जी लेवल, क्या ये शार्प होगा, थोड़ा सा वाइट होगा, थोड़ा सा वाइट होगा, थोड़ा सा दोनों, ठीक है ना, बस सोसाइटी में तुम लोग खेल रहे हो, तुम्हारे घर वाले तीन तक ला सकते हो, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तुम्हारे तुम्हारा रोल क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ठीक है,
इसे बताओ क्या है, इसमें कितनी स्टेट्स होंगी? 11 स्टेट्स ही होंगी, ठीक है ना? सेम सेम लिखेंगे सारी सारी फील्ड है इसमें भी, फिर क्या आएगा तुम्हारा टू की नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वाइड होगा, थोड़ा सा वाइड थोड़ा सा वाइड बनाना। अगेन सेम कहानी, येलो कहानी नहीं हम ये सुनते सिक्स है ना, तो ये सिक्स है ना, तो टोटल स्टेट्स कितनी है बच्चों? फील्ड कितनी है बच्चों? एमपी कितनी है तुम्हारे? और फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? बस क्या करना है, टू थ्री एस वन, बस इसको वाइड कर देते हो। इसमें कितनी स्टेट्स होंगी? अरे कितनी स्टेट्स होंगी? अरे टू एन होगी भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? टू है ना। फील्ड कितनी है? फील्ड कितनी है? एन। एम्प्टी कितनी है? ठीक है, अब समझो वास्तव में कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, सिक्स तुम्हारे है ना, और वाइट कलर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स उसमें रह सकते हैं, सिक्स एंड पॉसिबल स्टेट्स हैं। सिक्स टूपी में कितने हो सकते हैं? और वाइट कलर होता है छह इलेक्ट्रॉन, छह एन पॉसिबल स्टेट्स होंगी, उसमें सारे सारे फील्ड है, तो छह एन भरी है और जीरो है। थ्री एस में क्या होगा तुम्हारे? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो स्टेट्स कितनी होगी? टू एन। फील्ड कितनी है? एन, क्योंकि एक वाला ही है ना, एक ही फील्ड है, एक में एन में कितना फील्ड होगा? एन, एन फील्ड है, बची कितनी? ठीक है, ठीक है। इरिटेटिंग भी होता तुम बात कर रही हो, अगर मेरा फ्लो से निकाल निकाल देता पानी से। अरे आई बात समझे कौन सा चीज? देखो अब इसमें होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स समझो कि यहाँ पर जब तुम हीट करते हो, जब तुम या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी दी, जैसे मान लो तुमको कंडक्ट करना है, मान लो तुमने सोडियम का मेटल है कंडक्ट करेगा, मान लो तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी क्या देती है बच्चों? बैटरी देती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्यू इन टू वी से क्या आएगा? एनर्जी आएगा। ये होता है ना क्यू इन टू वी, एनर्जी आएगा। इस एनर्जी का कारण क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अरे करेगा ना। तो वास्तव में अगर इस 1s वाले को दे दो, 1s वाला क्या कंडक्टिव होता है? क्यों नहीं होगा? हाँ नहीं भाई, उससे मतलब नहीं है। हाँ इसके अंदर, अरे भाई मान लो कुछ एनर्जी दोगे तो ऊपर जाएगा क्या? सारी सारी फील्ड तक नहीं है, बीच में जगह देगा क्या? नहीं। मान लो तुम्हारे पास तुम खाना खा रहे हो, सारी स्टेट फील्ड है, सारी कुर्सियां पर लोग बैठे, किसी के पास जाओगी तब को बैठने देगा क्या? नहीं। यहाँ पर भी मान लो इसका भी है, ये भी क्या होगा? तो इसको भी मान लो एनर्जी दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये भी सारी फील्ड है, ये भी तुम्हारा क्या होगा? इस वाले भी में नहीं तुम्हारा कोई मूव करेगा, फिर है ही नहीं, कैसे मूव कर सकता है? इसमें भी नहीं होगा। अरे उसी बैंड में मूव करेगा, उसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसी बैंड में मूव करेगा, इनके बीच गैप ज्यादा होता है, ऐसा नहीं बैंड गैप फिर तो हुआ ही, पर सारे को मिक्स ही कर देते अलग अलग क्यों बनाया जाता है? ठीक है, जो तुम एनर्जी देते हो बहुत ज्यादा नहीं देते, ठीक है ना? सोचो जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक वोल्ट से तुमने एक्सीलेट करा है, 12 इलेक्ट्रॉन नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर बच्चों क्या है प्रीवियस वाला, ये कौन सा है तुम्हारा बच्चों, ये है कंडक्शन बैंड। क्यों है कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पर फील्ड कितनी तुम्हारी हाफ फील्ड, जब इन दोगे ठीक है ना, यहाँ पर तुम्हारा काम चल जाए, जब मान लो कोई एनर्जी मिली तुम किधर से मिली, हाई एनर्जी से जा सकते हो, जा सकते भूख लगी तुमने वहां पर चली गई, वहां पर कुर्सी खाई तुम बैठ गई, एक मिनट खाए तुम, अरे है नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी मिली तो क्या होगा तुम्हारा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वास्तव में वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या होता है पूरा स्प्रेड होता है ठीक है ना, तो कहते हैं कि वेव के फॉर्म में एनर्जी गई, तुमने एनर्जी दी तो क्या हुआ, एनर्जी से क्या होता है बच्चों वेव जनरेट हुई, कहते हैं वेव ही ट्रांसमिट होती नहीं होती, बता दे नहीं बताया था ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिट किया था, वेव फंक्शन जो स्प्रेड ऑल ओवर सरफेस, ये पूरे एटम के लिए है, ध्यान देना पूरे तुम्हारा क्या कहते हैं क्रिस्टल के लिए, जो मैं बता रहा हूँ एटम्स है ना पूरे क्रिस्टल के लिए बता रहा हूँ, तो तुमने एनर्जी दिया तो क्या चला गया वो एम्प्टी में तुम्हारा स्टेट में जाके चला गया, और उसके बाद क्या हो सकता है फ्रीली मूव, फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी एनर्जी क्या होगी स्प्रेड होगी, तो क्या करेगा वो कंडक्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, क्या बोलोगे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, अरे आई बात समझ लो, ये क्या हुआ तुम्हारा कंडक्शन बैंड है ओके। इसके जस्ट पहले क्या हुआ बच्चों, बैलेंस बैंड है, बैलेंस शेल नहीं है क्या बच्चों, अच्छा ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारा कंडक्शन बैंड और ये क्या हुआ तुम्हारा बैलेंस, इसको जस्ट पहले वाले को बैलेंस बैंड ठीक है। अच्छा कहीं भी क्या होता है देखो, इसमें तो बच्चों देखो हुआ क्या, जनरल लिख लेना किस कितने एटम्स के लिए बनाया मैंने, एटम्स के लिए बनाया है ठीक है ना, कितने एटम्स के लिए बनाया है, एटम्स के लिए बनाया है ठीक है। तो बच्चों तुम्हारा इसके हिसाब से मैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड की कंडीशन दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना, क्या होगा कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड क्या होगा इसका मतलब, चलो क्या इसके ऊपर बच्चों 3p वाली भी स्टेट होगी, नहीं होगी लिख लेना 3p वाली और वाइड होगी, कितनी स्टेट्स होंगी बच्चों इसमें, 6n होंगी, इसमें तो और भी अट्रैक्शन तुम्हारा इससे कम होगा न्यूक्लियस से, और भी स्प्रेड होगी
कौन सा नंबर थ्री की है, इसके ऊपर स्टेट्स हैं। अरे यार इतना समझ जाता है, इसको कुछ भी मूव कर सकता है, अच्छा तो क्या पूछ रहे थी, चल सुन लो हाँ मैं डाउट कर रहा था, टूपी वाला इसलिए मूव कर सकता है, अच्छा टू एस, अब टू एस वाला अगर इसमें मूव करेगा तो यहाँ भी स्पेस क्या नहीं है, ठीक है टूपी वाला थ्री एस, हाँ टूपी वाला थ्री एस मूव कर सकता है क्यों, वहां पर स्पेस है, ठीक है ना, यहाँ टू एस वाला टूपी मूव नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर स्पेस है ही नहीं, तो वैलेंस बैंड से क्या कर सकता है बच्चों तुम्हारा, कंडक्शन बैंड में जा सकता है कि वहां पर क्या है खाली स्पेस है, और जब तुम्हारा उसमें चला जाएगा कहते हैं ना तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना, तो वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड मूव कर सकता है बट तुम्हारा उसके नीचे मूव नहीं कर सकता, उसके नीचे वाली कंप्लीटली क्या है, अरे आई बात सर तो इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होगा बच्चों, लोएस्ट एनर्जी बैंड व्हिच इज पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी, लोएस्ट एनर्जी बैंड व्हिच इज कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली एम्प्टी, सॉरी लोएस्ट एनर्जी बैंड व्हिच इज पार कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, ये होगा ना पूरी तरह खाली हो जाए तो पार्शियली फिल्ड, कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड, अच्छा बच्चों इसी तरह तुम स्केच छोड़ देना, अगर मैं मैग्नीशियम क्या होता बच्चों तुम्हारा, वेल एनर्जी होगा, सुन लो तो उसके लिए ठीक है, इसमें यहां पर लिखा है तुमने, ये लिखा है तुमने कंडक्शन बैंड और ये लिखा वैलेंस बैंड, अरे ठीक है यहाँ पर क्या लोगे तो वैलेंस बैंड, ठीक है अच्छा उसमें तो क्या होता बच्चों तुम्हारा 3s वाला भी क्या हो जाता तुम्हारा फील्ड हो जाता, तो अगर 12 mg के लिए करना हो उसमें क्या होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा कर लेना अभी इतना ही अंतर होगा, वैलेंस बना वैलेंस बना साइड में थोड़ा सा बना दो ऐसे 12 mg के लिए बना दो, अरे वहां पर ना लिखना एक बार थोड़ा सा अरे आ जाएगा एडजस्ट करके, इससे सीखो तो शॉर्ट करने की मर्जी तुम माला माल हो जाओ, ओके हर साल 2 रुपए की बचत, 100 साल में कितने जैसे ओके हो गया लिख लिया, अरे 12 इंच में क्या होगा बच्चों क्या होगी तुम्हारी टोटल स्टेट्स 2n फील्ड कितने होंगे 2n और एमपीपी कितनी होंगी तुम्हारी 0, इसके बाद क्या आएगा बच्चों 3p कितनी स्टेट्स होंगी बच्चों टोटल स्टेट्स क्या होंगी 6 है, एम्प्टी क्या बच्चे तुम्हारी 6 है, फिर कितनी तुम्हारी 0, तो उसके लिए बच्चे तुम्हारा 3p क्या होगा तुम्हारा कंडक्शन बैंड होगा, लिख लेना होता है बना कर, और ये क्या होगा बच्चे 3s तुम्हारा वैलेंस बैंड होगा, ठीक है ना, अरे आगे बात समझ में, ये बनाने को आता है ठीक है ना, बनाने के आता है अच्छा बच्चों ठीक है, ये जो होगा वास्तव में इसको थोड़ा सा ओवरलैप करा देना, इसको डिफरेंट कलर से कर देना, अगर दो पहले तुम्हारे पास तो इसको 3s से क्या करा देना ओवरलैप करा देना, बता रहा हूँ करा देना, करा दिया ठीक है, थोड़ा लाइन बढ़ा देना, लिख लिया ये कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड, ठीक है देखो बच्चों
अंतर क्या होता है तुम्हारा कंडक्टर इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में, जो एमजी क्या बच्चे तुम्हारा मेटल, ये भी है मैग्नीशियम है ना मेटल, बढ़िया जी है ना मेटल। तो बताओ अच्छा कनेक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें क्या होता है अगर एनर्जी दोगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा कंडक्ट करने लगे, कंडक्ट करने लगे मतलब कंडक्शन बैंड पहुंच गया सर, कंडक्शन बैंड वाला ही कंडक्ट करता है। जैसे एनर्जी दोगे क्या ये ऑलमोस्ट क्या बच्चों और लैफ्ट है, इसको जंप करना है क्या, इसको दोगे तो इसको जंप करना पड़ेगा काफी ज्यादा, और गली बात यहाँ पर फील्ड है जगह भी नहीं है वैसे भी, तो सोचियो इसमें क्या है क्या ओवरलैप है, क्वालिटी क्या होगा तुम्हारा, आराम से घुस जाएगा आराम से कनेक्ट करने लगेगा, तो मैग्नीशियम क्या अच्छा कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट सोचो अगर मैं किसी और के लिए बनाता, मान लो कोई दूसरा तुम्हारा नॉन मेटल होगा तो अच्छा कनेक्टर नहीं होगा, तो बच्चों ये जो गैप होता ये क्या हो जाता काफी ज्यादा होता, इंसुलेटर होता मान लो, मान लो कार्बन होता, क्या होता कार्बन, तो ये गैप क्या होता काफी ज्यादा होता। तो जब एनर्जी देते या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, एनर्जी दे रहे हो ना तो क्या होता तुमको यहाँ से यहाँ जंप करना होता, नहीं करना होता कि बीच में कोई स्टेट है तो जंप करना होता वहां से यहाँ तक, और वो एनर्जी क्या होती काफी ज्यादा होती, ठीक है। तो क्या कंडक्ट करता क्या नहीं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा कंडक्ट नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन में एक गैप होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच, ये क्या होता है काफी ज्यादा होता है, कंडक्टर में क्या होता है ओवरलैप कर जाते हैं, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कम होता है कंडक्ट, ऐसा नहीं ओवरलैप होता है और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता है। जब तुम लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल टेम्परेचर पर बच्चों ये इंसुलेटर की तरह ही काम करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर अलग अलग होंगे दोनों, फिर जब तुम हीट करते हो क्या हो जाता है इससे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें चला जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला जाता है, तो तुम्हारा कंडक्ट करना है, इसलिए क्या बोलते हैं सेमी बैंड गैप। थोड़ी समझ में कैसे कंडक्शन होता है आप लोगों को, कोशिश करता हूँ आप वीडियो को लाइक करो, देखते हो वीडियो, अरे यही बात समझ बनाने को आ जाए दूसरा क्या था मॉडल बना सकते हो, ठीक है। अब बैलेंस बैंड लिखो, बैलेंस बैंड क्या लिखोगे, इसके ऊपर की एनर्जी होगी ना लेवल्स, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बट एनर्जी लेवल्स लेवल्स तो लोएस्ट इसके ऊपर भी होगी, इसलिए मैंने क्या बताया लोएस्ट, जो कंप्लीटली पार्शियली फिल लिया कंप्लीटली एम्प्टी, इसके 3p के ऊपर वाले भी क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा 4s होगा, 4s होगा उसका 4d 3d आएगा होगा, बट वहां पर क्या होगा तुम्हारा क्या वो लोएस्ट है क्या नहीं, बैलेंस बैंड में क्या लिखोगे हाईएस्ट बैंड विच इज कंप्लीटली फिट, ठीक है हाईएस्ट बैंड विच इज कंप्लीटली फिट। हालांकि ये एक डेफिनेशन कह सकते हो कि कंडक्शन बैंड इधर से नीचे होता है, बट मान लो मान लो घर का एड्रेस बता वही तो आ रहे हैं मगर वैसे, ठीक है। तो इससे डेफिनेशन देनी पड़ेगी, आगे बात समझो क्या है ये आई एस बाई विच इज कंप्लीटली, ठीक है। अच्छा फ्रेंड डाल दो टाइम दिया है एनर्जी बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी मैं छोड़ दूंगा, मैंने 30 पर चैनल किया था एक ई बना के छोड़ दो, अरे बता दूंगा अभी क्लास में कर दूंगा कंडक्टर इंसुलेटर बुक लेके, ठीक है।
ओके क्या लिखा तुमने पैन पैन क्या था एनर्जी एनर्जी पैन लिखा ठीक है क्या होगा आंसर की बात नहीं मान लो बच्चे ये बैलेंस बैंड है और ये क्या है कंडक्शन बैंड है कंडक्टर में तो ओवरलैप करता है तो जबकि तुम्हारा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ओवरलैप नहीं करता तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप और जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी क्या होगी बैंड गैप एनर्जी अरे ठीक है अरे ठीक है अच्छा इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे डायग्राम से बताओ बैलेंसमेंट तो यहाँ की कनेक्शन में यहाँ की हाँ मतलब हाँ हाईएस्ट बैलेंसमेंट एनर्जी है लोएस्ट कंडक्शन में एनर्जी है इस बॉल एनर्जी बैंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट बैलेंस बैंड एनर्जी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हम बात कर रहे थे तो सुबह ऐसे ही बात कर रहे थे क्या हुआ अच्छा ये बात तो दूसरी एक बात है वो एनर्जी कैसे नहीं पी रहे इसीलिए कर रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कौन सी लगा के आए थे energy difference between highest valence band energy and lowest conduction band energy highest valence band energy and lowest conduction band energy is called band gap energy okay pani lega spark se lega ya dapat jayega हो गया अच्छा अगर ये बच्चों को देखो ये वास्तव में क्या कह रहा है जो अगर कंडक्ट करना है तो अगर यहाँ वाला भी जंप कर जाए इसमें तो कंडक्ट करने लगेगा राइट तो इसीलिए क्या कहा गया है कि यहाँ से यहाँ तक जंप करने हाईएस्ट बैलेंस बैंड से ग्रेव एनर्जी कब चाहिए होगी जब हाईएस्ट बैलेंस बैंड में हो और यहीं पर जंप कर जाए तभी कंडक्ट करने लगेगा अगर ये बैंड गैप ज्यादा हुआ क्या होगा तुम्हारा इंसुलेटर हो जाता है ओवरलैप हुआ मतलब जीरो हो गया कनेक्टर हो गया और उसमें क्या होगा तुम्हारा उसके बीच क्या होगा अच्छा कहा था बच्चों फॉरबिडन बैंड गैप क्या आता है फॉरबिडन बैंड गैप क्या होता है कि इनके बीच बैलेंस बार और कंडक्शन के बीच कोई एनर्जी लेवल नहीं होगी जैसे मान लो मैंने बताया था उसको तो 10.2 करना है उससे कम नहीं कर सकता ठीक है ना यही बस तो तुम्हारा आज अगर बच्चों इसके बीच कोई एनर्जी लेवल नहीं रहेगा ये तो है इसके बीच एनर्जी लेवल नहीं है तो क्या होगा अरे भाई इसके बीच में तो कहीं जाता उसको जाने जगह ही नहीं होनी घर से निकल जाओ कहो तो कहाँ जाए ठीक है ना नहीं तो जाओगी ना होटल में कहीं पर लगा ओके तो इसके बीच कोई भी तुम्हारा एनर्जी लेवल लाइन नहीं करता इसको क्या बोलते हो फॉरबिडन बैंड है कोई बैंड गैप है कोई बैंड है ही नहीं क्या बोलोगे इसको फॉरबिडन वहां पर जाना माना है फॉरबिडन बैंड फॉरबिडन बैंड एनर्जी बैंड बिटवीन
कंडक्शन बैंड, वायरलेस बैंड, एनर्जी बैंड ब्रेकेट, कंडक्शन बैंड एंड वायरलेस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड, इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड बिकॉज एज नो इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड देयर. डिजाइन बोलते हैं, डिजाइन as no electrons can reside there. ठीक है, आगे बात करते हैं. अब ठीक है, ये देखिए लास्ट वीक वाला. ठीक है, हम समझा रहे हैं एरर शो का काम. Types of materials. Types of materials. ठीक है, पहले देखो बच्चों, कंडक्टर. कंडक्टर एनर्जी बैंड गैप है जीरो. कंडक्टर एनर्जी बैंड गैप मतलब में इजी इजी लिख लेना क्या है जीरो. ओके, सो इवन इफ गिवन वेरी स्मॉल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन कंडक्ट, मतलब मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड, कोई चाहिए नहीं जंप करने के लिए. So, electrons can freely conduct electricity. So, electrons can freely conduct electricity. Right, ठीक है? ठीक है? दूसरा लिखो. इंसुलेटर. इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों, बैंड गैप क्या होता है बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा मतलब किससे ज्यादा, तुम्हारे जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है केटी, थर्मल एनर्जी जो होती है 3/2 केटी के ऑर्डर का होता है. तो जो केटी आती है नॉर्मल टेम्परेचर पर 300 केल्विन रखो तो क्या आती है, लगभग 0.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है. ये थर्मल एनर्जी अवेलेबल तो अगर ये एनर्जी क्या है तुम्हारी बच्चों बैंड गैप से कम है, क्या कोई फायदा होगा क्या? नहीं आ पाएगा. तो ये क्या होता है, काफी बड़ा होता है तुम्हारा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका तुम 10 टाइम्स नहीं करोगे, कितना आएगा 0.26, 100 टाइम्स करोगे जाएगा 2.6. तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है तुम्हारा ज्यादा होता है. क्या होता है तुम्हारा बैंड है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है ज्यादा होता है. तो लिख लो इन इंसुलेटर्स बैंड गैप इज मोर देन, बैंड गैप एनर्जी जो है ईजी इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अभी ये वेरी कर सकता है, एक डेटा डिफरेंट लिखा है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका 100 टाइम्स में बता रहा हूँ. क्या कह दिया उसका 6 लिखा हो. फॉर एग्जांपल जो सिलिकॉन में एक बता रहा हूँ, सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा बता रहे हैं इसीलिए जो बैंक क्या बोलते हैं बैंक सिलिकॉन में. ठीक है ना, इससे लेकर अरे आगे बात समझो. सिलिकॉन में फॉर एग्जांपल क्या होता है तुम्हारा 1.1 होता है और जर्मेनियम में कितना होता है तुम्हारा 0.7. ठीक है,
अवेलेबल होती है तो आपके टेम्परेचर पर इतना होती है, तो क्या इतने से मूव कर जाएगा क्या वो? नहीं मूव कर पाएगा, इतने से मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होता है वो तो सो थर्मल एनर्जी इज इनसफिशिएंट, थर्मल एनर्जी इज इनसफिशिएंट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो तुम बाहर से भी दोगे एनर्जी वो भी क्या होगा? नहीं सफिशियंट होगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इतने पर मैं फॉर्मूला बता दूंगा। उसके बाद क्या क्या तुम्हारा सेमी कंडक्टर? हाँ बस बस छोड़ो, लास्ट दूसरे पर इंसुलेटर्स ठीक है यार, काफी घंटा की वैसे इलेक्ट्रिसिटी। बट एट रूम टेम्परेचर they behave as insulators, but at room temperature they behave as insulators. जो प्योर बच्चों सिलिकॉन होता है, प्योर जर्मेनियम होता है, वो इंसुलेटर ही होता है। बाकी पढ़ेंगे कैसे उसको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं उसको, ठीक है? लगभग इंसुलेटर होता है। अगर एक दो इलेक्ट्रॉन चले भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? फॉर सिलिकॉन क्या है बच्चों? इजी 1.1, फॉर जर्मेनियम 0.7 मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद। 1.1 जर्मेनियम का 0.7।